ने बहुत हिस्सा डाला अलॉट ऑफ नॉलेज बहुत ज्यादा टू दाइंसोजी हयातिया की साइंस में एंड मेडिसन और अद्वियात फ्राम एट टू फिफ्टीन सेंचुरी आठवीं से पंद्रवीं सदी तक मतलब आठवीं सदी से लेकर पंद्रवीं सदी तक मुसलमान साइंसदानों ने बहुत ज़्यादा काम किया बायोलॉजी में मुस्लिम साइंटिस्ट ने हर दौर में हर साइंस के शबे में बहुत ज़्यादा कार कारनामे अंजाम दिए देर व्यूज़ उनके नज़रिया वेरी वाईली रिस्पेक्टेड उन्हें बहुत ज़्यादा इज़्ज़त दी गई एंड टेकन एज अथॉरिटी और उसको एक इख्तियार के तौर पर लिया गया सम ऑफ द फेमस मुस्लिम सैंटिस्ट आर कुछ मशहूर मुसलमान साइंसदान ये हैं पहला जाबिर बिन हयान सेवन ट्वेंटी वन एटीन बिन हयान सात सौ इक्कीस उनकी तारीख़ पैदाइश है और अठारह सौ पंद्रह ईस्वी उनकी तारीख़ वफात है ही वॉज बॉर्न इन ईरान वो पैदा हुए ईरान में एंड प्रैक्टिस मेडिसन और अद्वियात की प्रैक्टिस की उन्होंने इन इराक़ इराक़ में ही इंट्रोड्यूसड इंट्रोड्यूस्ड एक्सपेरिमेंटल कैमिस्ट्री उन्होंने मुतारफ़ कराई तजुर्बाती कीमिया को एंड ऑल्सो रॉड और उन्होंने लिखी आ नंबर ऑफ़ बुक्स ला तदादाद किताबें अ नंबर ऑफ बुक्स किताबें, ऑन प्लांट्स पौधों के बारे में animals, और एनिमल्स जानवरों के बारे में सॉरी <coughs> अमंग उनकी किताबों में से अल नबाता एंड अलहवान ये अरबी के अल्फाज हैं। नबाता मीन्स पौधे एंड अलहवान मीन्स जानवरों के बारे में कार नोटवर्दी ये मशहूर किताबें हैं वैसे तो इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी थी लेकिन इनकी जो ये दो किताबें हैं ये बहुत ज़्यादा मशहूर हुई ही वॉज ऑल्सो एन एस्ट्रानर वो एक माहर फल्कियात भी थे माहरे फल्कतिया उन्हें कहा जाता है जो कि स्पेस यानी ख़लाम में जो चीज़ें होती हैं सपोज़ जैसे कि स्टार्स हो गया सैटलाइट्स इन चीज़ों के बारे में जो इल्म रखते हैं उनको एस्ट्रामर या माहर फल्कियात कहते हैं जो सितारों सारों वगैरह के बारे में इल्म रखते हैं फार्मेस्ट दादाज माहिर अद्वियात फिजिशन डॉक्टर को कहते हैं फिलोसोफर फलसफ़ी एंड इंजीनियर और इंजीनियर थे मतलब जावेद बिन हयात बैक वक्त इस्ट्रानोमर भी थे फार्मेस्ट भी थे फिजिशियन भी थे फ़लसफ़ी भी थे और इंजीनियर भी थे और एक अच्छे साइंटिस्ट भी थे अब्दुलमलिकमी सेवन फोटी एट ट्वेंटी एट ए डी पैदा की तारीख वी वॉज बॉन इन बसरा पैदा हुए बसरा में ही उन्हें ख्याल किया जाता है या उन्हें तस्लीम किया जाता है एज अ एक माहिर के तौर पर इन एनिमल जानवरों की साइंस में इन्होंने जानवर के plants, जानवरों के बारे में बहुत ज़्यादा काम किया था ही रॉट मैनी बुक्स इन्होंने कई किताबें लिखी ऑन एनिमल्स एंड प्लांट्स जानवरों और पौधों के बारे में वन ऑफ हिज बुक्स उनकी किताबों में से अलखल इज़ अबाउट हॉर्से अलखैल ये घोड़ों के बारे में थी ख़ैल अरबी में घोड़े को कहते हैं अनदर एक दूसरी अलिबिल अबाउट कैमल्स अलिबिल ऊँटों के बारे में थी अ थर्ड और तीसरी अशा अबाउट शीप ये भेड़ के बारे में थी एंड फोर्थ और चौथी अलवहूश इज अबाउट वाइल्ड एनिमल ये जंगली जानवरों के बारे में थी इन द बुक खलक उसान की किताब ख़लकसान में ही है डिस्क्राइब उन्होंने बयान की डिफरेंट पार्ट्स मुख्तलिफ़ हिस्से एंड फंक्शन और काम ऑफ ह्यूमन बॉडी इंसानी जिसम के वो लिससिना नाइन एटी वन थाउजेंड थर्टी सेवन ए डी बोलिसीना पैदा पैदा हुए नाइन एटी में और तारीख़ आफा वन थाड थर्टी सेवन ए डी है ही वॉज बॉर्न नियर बुखारा वो पैदा हुए बुखारा के करीब ही वॉज अमंग द ग्रेटेस्ट मुस्लिम साइंटिस्ट और वो अजीम साइंसदानों में से थे एंड ही इज़ मोस्ट वैल्यूएबल कंट्रब्यूशन और उनकाबिल क़दर काम वैल्यूबल कंट्रीब्यूशन काबिल कदर काम वॉज इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन या अदियात के शोबे में था वैसे तो ये बहुत ज़्यादा बड़े साइंटिस्ट थे लेकिन जो ज़्यादा काम का था वो मेडिसिन के शोबे में था ही वो एन एक्सपर्ट इन मैथमेटिक्स और वो सॉरी <coughs> रियाजी के माहिर थे एस्ट्रानी फल्कियात के फिज़िक्स तबियात के एंड पैलेंटोलॉजी और माहिर आसार कदीमा भी थे ये जैसे कि पुराने ज़माने के जो फॉसिल्स होती हैं तो उनके बारे में जो थे ये वो उसके माहिर थे ही वर्ड ऑन द स्ट्रक्चर उन्होंने काम किया साख पर फंक्शन अफाल पर एंड डिजीज और बीमारियों पर ऑफ द आई आंख की ही डिस्क्राइब वन थर्टी डिजीज़ उन्होंने बयान की एक सौ तीस बीमारियाँ ऑफ़ द आई आंख की इन इस बुक अपनी किताब में इस बुक उनकी किताब अलकानून फिब वॉज ट्रांसलेटेड उनकी जो किताब है अलकानून फि उसका तर्जु किया गया इंटू मनी यूरोपियन लैंग्वेज़ कई यूरोपी जबानों में अब उस्मान उमैर अल जिहाज़ ही रॉड द फेमस बुक उन्होंने लिखी मशहूर किताब अल हैवान हैवान जानवरों कहते हैं विच डिस्क्राइब हिज ओन ऑब्जर्वेशन जिसमें उन्होंने बयान की अपने मुशाह ऑन एनिमल्स जानवरों के बारे में सच एज जैसे कि द सीज़नल माइग्रेशन मौसमी हिजरत मौसमी हिजरत उसे कहते हैं जब एक इलाके के रहने वाले जो जानवर होते हैं अगर वो इलाका गर्म है तो वो गर्मी के साथ मुताबिकत रखते हैं और अगर वो सर ठंडा है तो सर्दी के साथ मुताबिकत रखते हैं लेकिन जैसे ही मौसम तब्दील होता है तो गर्मी वाले जानवर सर्दी में नहीं रह सकते सर सर्दी वाले गर्मी में नहीं रह सकते तो वो फिर ऐसी जगह जाते हैं जहाँ पर उनके लिए माहौल साजगार हो तो उसको हम सीजनल माइग्रेशन कहते हैं और फिर वापस जब मौसम सही होता है तो अपने पहले वाले इलाक़े में ये वापस आ जाते हैं और फिश मछली का रिवर टिगरिस दरियाओं में सिमिलरली इस तरह ही डिस्क्राइब उन्होंने बयान की द लाइफ सिस्टम जिंदगी का निज़ाम ऑफ एन आंट चूंटी का उन्होंने चूंटी के बारे में बहुत ज़्यादा रिसर्च की उन्हें बताया कि चूंटी कैसे जिंदगी गुजारती है उनमें जो लेबर मतलब काम की तकसीम होती है वो कैसे होती है कौन से चूंटियाँ बच्चे, बच्चे पैदा करती हैं कौन से खाने का लाने का काम का का करती है कौन से जो है वो बाकी काम का करती हैं अल्फारबी इज रिनोइड हकीम ये मशहूर हकीम रिनोइड मशहूर हकीम एंड बायोलॉजिस्ट और हयात यादान लिव इन एट सेवेंटी नाइन फिफ्टी ए डी एट सेवेंटी तारीख़ पैदाइश नाइन फिफ्टी इनकी तारीख़ वफ़ात ही रॉट टू बुक्स उन्हें दो किताबें लिखी किताब नबाता विच इज़ अबाउट किताब किताबुलनबातात ये पौधों के बारे में एंड किताबल हवाना विच इज़ अबाउट एनिमल्स और किताबुल हवानात ये जानवरों के बारे में थी मतलब उन्होंने बहुत ज़्यादा किताबें लिखी ये दो उनकी बहुत मशहूर किताबें थीं अब्दुल कासिम अली जहरवी दिस ग्रेट मुस्लिम सर्जन ये अजीम मुसलमान सर्जन सर्जन उस डॉक्टर को कहते हैं जो कि ऑपरेशन वगैरह भी कर सकते हैं वॉज बॉन्ड पैदा हुए इन 936 थर्टी एंड डाइट इन 1004 थाउजेंड ये पैदा हुए 1936 सौ ईस्वी में और उनकी जो वफात है वो 1004 हज़ार ईस्वी में हुई ही वॉज़ फेमस फॉर दिज द रिमूवल और वो मशहूर थे रिमूवल हटाने के लिए ऑफ स्टोन पथरी का फ्राम यूर बिल्डर मसाने से इब्दुल हाशिम

तारीख पैदायश नाइन सिक्सटी फाइव तारीख़ वफात वन थर्टी नाइन ईस्वी एंड वॉज वन ऑफ़ द मोस्ट आउटस्टैंड बायोलॉजिट और ये बहुत ज्यादा हयातिया दान थे ऑफ मुस्लिम वर्ल्ड मुसलमान दुनिया के ये वर्ल्ड डब्ल्यू ओ आर एल डी स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक हो गई है बुक में वर्ल्ड दुनिया के बेसिकली बुनियादी तौर पर ही वॉज एन ऑप्टोमोलॉजिस्ट ये माहिर अमराज चशम थे ऑप्टोमोलोजिस्ट उस डॉक्टर कहते जो कि आंखों की बीमारियों का माहिर हो तो ये आंखों के बड़े डॉक्टर थे ही कोरेक्टेड उन्होंने सही किया द ग्रीक कॉन्स यूनानियों का नजरिया ऑफन देखने का लोकेटिंग रेटिना जो कि वो कहते थे कि रेटिना है एज अ सेट ऑफ विजन देखने की जगह मतलब यूनानियों का ये नजरिया था कि रोशनी हमारे आंखों की रेटिना से निकलकर चीजों पर पड़ती है तो हमें चीजें नजर आती हैं लेकिन कहा कि ये बात गलत है क्योंकि अगर ये बात सही होती तो हम टॉर्च लगाते हैं तो टॉर्च से रोशनी निकलती है हमें अंधेरे में चीजें नजर आती हैं लेकिन इंसानी आंख के साथ ऐसा नहीं था हम अंधेरे में चीज़ें नहीं देख सकते थे और रोशनी में देख सकते थे तो इन्होंने कहा कि जब रोशनी होती है तो वो आके एक चीज पर पड़े है फिर उस चीज से जब रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों तक जाती है तब हम वो चीज़ देख सकते हैं फेमस <coughs> बुक्स उनकी मशहूर किताब किताबुल किताबुलमनाजिर एंड मीज़ान ट्रांसलेटेड इनकी जो दो मशहूर किताबें बहुत ज्यादा किताबुल मनाजिर और मीज़ान इसका तर्जुमा किया गया इन टू लेटिन ग्रीक एंड अदर वेस्टर्न लैंग्वेजेस लातिनी हेबरी यूनानी और दूसरी मगरबी जबानों में अली बिन ईसा ही वॉज अ वेल नोन आई स्पेशलिस्ट ये एक मशहूर आंखों के स्पेशलिस्ट मतलब डॉक्टर थे या माहिर थे ही वर्क ऑन द स्ट्रक्चर उन्होंने काम किया साख्त पर फंक्शन अफाल एंड डिजीजेस और बीमारियों पर ऑफ द आई आंख की ये मशहूर डॉक्टर थे आई स्पेशलिस्ट थे, थे ये भी आंखों के इलाज करते थे ही डिस्क्राइब वन थर्टी डिजीजे उन्होंने डिस्क्राइब की मतलब वजाहत की एक सौ तीस बीमारियों की ऑफ़ द आई आंख की इन इस बुक अपनी किताब में आंख को अगर आप देखो तो कितनी छोटी लगती है लेकिन उसके अंदर कितनी ज्यादा इसका स्ट्रक्चर कितना कॉम्प्लेक्स से कि इसकी जो सिर्फ बीमारियां एक सौ तीस किस्म की बीमारियां इसका है। यूरोपियन लैंग्वेजेस और ये किताब को तर्जुमा किया गया कई यूरोपीय जबानों में इब्न नफीस ही वाज रिनोइड बायोलॉजिस्ट वो मशहूर हयातियादान थे ऑफ थर्टीन सेंचुरी ए डी तीस सदी ईस्वी के ही डिस्क्राइब उन्होंने बयान किया द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड खून की गर्दिश इन ह्यूमन बॉडी इंसानी जिस्म में मतलब उन्होंने ये बताया कि खून कैसे गर्दिश करता है कैसे गंदा खून जिस्म से दिल में आता है कैसे साफ खून दिल से पूरे जिसमें में जाता है कौन सी आर्टरीज क्या काम करती है कौन सी वेंस क्या काम करती है कैपिलरीज क्या है ये सब इन्होंने हमें बताया होप स्टूडेंट्स यू अंडरस्टैंड, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होते हैं अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा टेक केयर अल्लाह